हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रीता है। आज हम अपना ब्यूटिशियन में एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ब्यूटिशियन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और हमने उसमें कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ मटेरियल्स देखे थे जो हम अपने ब्यूटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ अपने फेस की तरफ ही ज़्यादातर ध्यान कर उसी को निखारने में लगे रहते हैं, बट अगर हम देखें तो ब्यूटिशियन वो पार्ट है जो हमारी फुल बॉडी को मदद करता है सुंदर बनाने में। तो उसी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं हर एक बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंगली। तो आज हम कुछ उन्हीं ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे जो कि एक ब्यूटी सैलून के द्वारा या ब्यूटिशियन के द्वारा हम आप सब लोगों को दे सकते हैं। तो उसमें है ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड बाय ब्यूटी सैलून। कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो एक ब्यूटी सैलून में दिए जाते हैं? तो सबसे पहला है ब्लीचिंग। आपने देखा होगा हमारे पूरी बॉडी पर अनचाहे बाल होते हैं, इसी तरीके से हमारे फेस के ऊपर भी बहुत सारे अनचाहे बाल होते हैं, छोटे छोटे, जो हमें दिखते नहीं है, बट उनके ब्लैक होने की वजह से हमारे फेस का कलर डार्क हो जाता है। तो ब्लीचिंग हमारी मदद करता है उन अनचाहे बालों को ब्लैक से हमारे ओरिजिनल कलर में लाने के लिए, जो हमारी स्किन का कलर है। तो ब्लीचिंग जब भी हम यूज करते हैं तो हमें हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली लेना होता है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसी स्किन के लिए कौन सी ब्लीच ज्यादा फायदेमंद रहती है। देन है फेशियल, बेसिक फेशियल। बेसिक फेशियल में हमारे चेहरे से डेड स्किन्स को रिमूव कर बाहर किया जाता है। आईब्रो शेपिंग, आईब्रो में आप जानते हैं हमारी जो आईज के ऊपर ये जो ब्लैक कलर से बाल हैं उनको आईब्रो बोला जाता है, और इनको एक ब्यूटीफुल शेप दी जाती है ताकि हमारा लुक और भी बहुत अच्छा लगे। आईब्रो शेपिंग दो तरीके से हो सकती है, एक होता है ट्विजिंग की मदद से और एक होता है थ्रेडिंग की मदद से। मेनली जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो होता है थ्रेडिंग, जिसको हम आम भाषा में यूज़ करते हैं। एक होता है ट्वीज़र। ट्वीज़र के अंदर हमारे पास एक चिमटी की तरह से एक इक्विपमेंट होता है, उससे हम अपने जितने चाहें उतने अनचाहे बाल निकाल सकते हैं। देन ब्लो ड्राइंग। ब्लो ड्राइंग के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास घर में बहुत ज़्यादा ड्रायर अवेलेबल होते हैं, हम ड्रायर के यूज से अपने बालों को एक डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हेयर कटिंग जब भी हम कराते हैं तो हमेशा पार्लर में पूछा जाता है आपको ड्रायर की नीड है, ड्रायर करें। उस ड्रायर के करने से हमारी लेयर्स इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं कि वो स्टाइल हमारा उभर कर आ जाता है। मेकअप, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, जो हमें सुंदर बनाने में मदद करता है। वैक्सिंग, वैक्सिंग हमारे हाथों, हमारे पैरों के और बाकी शरीर के अनचाहे पार्ट्स पर जितने बाल हैं जो हम नहीं चाहते कि दिखें उनके ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट है मैनिक्योर। मैनिक्योर हमारे हैंड्स को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे नेल्स के ऊपर वर्क होता है, हमारी जितनी ये हैंड्स की स्किन है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। इसी तरीके से पेडिक्योर हमारे पैरों पर यूज किया जाता है, हमारे फुट्स को क्लीन करने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए। स्कैल्प मसाज, स्कैल्प मतलब हमारी ये सर खोपड़ी, इसके ऊपर जितने हमारे हेयर्स हैं उनको टॉनिक के रूप में कुछ चीजें प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए स्कैल्प मसाज की नीड होती है ताकि हमारे हेयर ग्रोथ कर सके और भी सुंदर लगे। रोलर सेटिंग, रोलर सेटिंग में आपको बहुत अच्छे से पता है आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग स्टाइल से रोलर आ रहे हैं, उसमें रोलर से अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में सेटिंग्स की जाती हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारे बालों को बहुत सुंदर बना देता है। एंड देन हेयर कटिंग, हेयर कटिंग के अंदर हम जैसा चाहें वैसा अपने हेयर्स को लुक दे सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। एंड देन उसके बाद आता है शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग। शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग ये भी हमारे हेयर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से शैम्पू किया जाता है। इनफैक्ट हमारे हेयर के अकॉर्डिंगली हमें शैम्पू भी अलग अलग यूज करने चाहिए, हम सबके हेयर्स एक जैसे नहीं होते। हेयर्स में भी ड्राई, ऑयली, नॉर्मल अलग अलग टाइप्स से होते हैं, तो हमें हमेशा अपने पहले हेयर्स, जो ब्यूटी थेरेपी है वो हमें मदद करता है ये जानने में कि हमारे सबसे पहली बात तो हेयर किस टाइप के हैं, दूसरा उसके अकॉर्डिंगली कौन सा शैम्पू और कंडीशनिंग हमारे लिए यूजफुल रहेगा। एंड देन फिर उसके बाद वेजिटेबल कलरिंग जो लास्ट है। वेजिटेबल कलरिंग हम अपने बालों में, क्योंकि एज के अकॉर्डिंगली या फिर किसी वीकनेस के अकॉर्डिंगली हमारे हेयर्स वाइट होते ही हैं, तो उन वाइट हेयर्स को वापिस से
एक नेचुरल कलर देने के लिए हमें मेनली वेजिटेबल कलरिंग का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी बालों की जड़ें खराब ना हो, वो बहुत ज्यादा मात्रा में वाइट ना हो और झड़े ना, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इनकी डिटेल्स में एक एक चीज में आपको समझा सकूं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जिस ब्यूटी सैलून की हम बात कर रहे हैं उस ब्यूटी सैलून के अंदर और क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, जो हमारी मदद कर सकते हैं इन सब चीजों को प्रॉपर वे में चलाने के लिए। तो बहुत जल्द वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।